हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th और 12th में आपका दो नंबर का आता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना। तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है एक्टिव वॉइस और क्या होता है पैसिव वॉइस, है ना, और इसको हम कैसे बनाते हैं। तो उससे बनाने से पहले हम कुछ जानकारी कर लेते हैं कि वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा वॉइस क्या होता है। वॉइस को कहते हैं वाच, है ना, मैंने लिख रखा है वाच। तो अब वाच में आपसे कोई पूछ ले कि बताइए, अक्सर करके हिंदी लोग पूछ लेते हैं कि वॉइस की हिंदी क्या होती है, तो वॉइस की हिंदी से यहाँ हो जाएगा वाच, है ना। एक वॉइस होता है आवाज, लेकिन वो नहीं, यहाँ वाच हो जाएगा। और यह कितने प्रकार का होता है, तो जो आपका वॉइस होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा, एक्टिव वॉइस, दूसरा कौन सा, पैसिव वॉइस, है ना। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस आपका हो जाएगा, ये देखिए मैंने लिखा है, एक्टिव वॉइस आपका हो जाएगा कर्मवाच्य, है ना, जिसमें कार्य किया जाए, है ना, मीन्स कर्मवाच्य हो जाएगा, है ना। कर्म, कर्म आपने सुना होगा सब्जेक्ट, है ना, जिसको कहते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, कृतवाच्य होता है ना, अभी बताएंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, तो ये मैंने बताया। अब उसके बाद आते हैं कि मैंने हिंदी बताया कि एक्टिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं ना। अब हम जानकारी करते हैं कि हमारा एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस जो आपका होता है मीन्स हम किसी क्रिया में सब्जेक्ट के द्वारा, है ना, हम किसी क्रिया में, सॉरी, हम किसी वाक्य में, किसी वाक्य में जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा, जो आपका वाक्य है उसमें क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को महत्व देना, है ना, किसी कोई वाक्य है मीन्स किसी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा, सॉरी, किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को महत्व देना क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। और इसी तरह बस इसका उल्टा क्या होता है, पैसिव। पैसिव में क्या होता है, किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा, किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को महत्व देना क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना कि सर ने कहा था एक्टिव वॉइस में, जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है कि क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को महत्व देना एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और पैसिव में क्या होता है, क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को महत्व देना क्या होता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। मैं एग्जांपल करके भी बताऊंगा, उससे पहले देख लेते हैं ना, फिर एक एक करके सब्जी बताऊंगा। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको डिफिनेशन तो पता चल गई होगी कि क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को महत्व देना एक्टिव का वॉइस कहलाता है, और क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को महत्व देना पैसिव वॉइस कहलाता है ना। अब हम चलते हैं और देखते हैं। तो मैंने देखिए एक मित्र कहा है कि जो आपका एक्टिव वॉइस होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, या हो सकती है। तो जो आपका एक्टिव वॉइस है मीन्स एक्टिव वॉइस आपको किसी भी वर्ब में हो सकता है, वो चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, है ना, तो वो आपका एक्टिव वॉइस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फिर आपका पैसिव वॉइस देख लीजिए, जब आप एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, है ना। तो देखिए मैंने लिखा है कि पैसिव वॉइस सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही होती है, में ही बनती है, में ही बनाई जाती है ना। आपकी जो पैसिव वॉइस होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में वो कोई भी फॉर्म हो, वो चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, या आईएनजी फॉर्म हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब उस एक्टिव की आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो वर्ब होगी उसको हम किस में बदलेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, है ना। अब देखते हैं फिर हमारा, देखिए मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस, जो आपका एक्टिव वॉइस होता है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक किसी में भी आपका एक्टिव वॉइस हो सकता है। देखिए मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इनडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 3/12। अब ये 3/12 के तीन प्रकार के संडे होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अब आप जाइए, प्रेजेंट टेंस में चार भाग होते हैं ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार इसके हो गए। तो चार पास्ट के भी होते हैं और चार फ्यूचर के भी होते हैं।
तो 12 हो गए ना, तो 3/12 किसी में भी हो सकती है, लेकिन जो आपका पैसिव वॉइस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3/8 में ही बनती है। बता तीन मैंने बताया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अब उसमें 4 गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस सेंटेंस में बी और बीन का प्रयोग होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे आपका देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन आता है ना, तो उसमें बीन आ जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इसी तरह आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, उसमें आपको हैड बीन मिलेगा, तो हैड बीन मिलेगा, उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, तो हो गए। फिर आइए फ्यूचर में आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है ना, तो उसमें बी आ रहा है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो उसमें भी विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है, इस वजह से उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो सेंटेंस आपके कितने होंगे, 4। तो 4 सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें बी और बीन आ रहा है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हम 12 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 8। तो यहाँ मैंने लिखा है कि पैसिव वॉइस सिर्फ 3/8 की ही बनती है ना। अगर वो सेंटेंस आप में आएंगे तो सेम एज इट इज वैसे ही उसको हम नोट करके लिख देंगे, वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक्सरसाइज करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिर आता है हमारा, देखिए मैंने लिखा है वे टेंस जिनमें बी या फिर बीन है ना, वे टेंस जिनमें बी या फिर बीन का प्रयोग होता है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है ना, नहीं बनती है। मैंने यही जो है लिखा है और मैंने यही आपको समझाया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसी के आगे, क्योंकि भाई एग्जाम्पल बनाने से पहले, एक्सरसाइज को करने से पहले हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, मीन्स इसी के आगे, है ना। मैंने जो समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, देखिए मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना। जब आप भी आपका सब्जेक्ट में आई दिया होगा तो हम उसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आप आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाई मी में, है ना। फिर इसी तरह आपका यू हो जाएगा, यू को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाई यू में, है ना। इसी तरह आपका ही हो जाएगा, ही को हम किस में लिखेंगे, बाई हिम में। सी को आपको क्या हो जाएगा, बाई हर में। और वी का क्या हो जाएगा, बाई अस में। और दे का आपको क्या हो जाएगा, बाई देम। और हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम हो जाएगा, है ना। तो ये जब आपके एक्टिव वॉइस में जो आपके ये होंगे प्रोनाउंस, उनको हम इसमें जो सब्जेक्ट है उनको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में, है ना। सॉरी हाँ, ये आपके हो जाएंगे तो हम उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट में, है ना। तो ये आपका एक्टिव और पैसिव था, मींस इसमें था। अब हम आते हैं कि टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आपको समझ में आया होगा, है ना, कि हम आई को किसमें बदलते हैं, बाई मी में, है ना। यू को किसमें, बाई यू में। अब हम चलते हैं टेंस में, कि टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं, मीन्स एक्टिव से पैसिव में कैसे उसको बदला जाता है ना। देखिए मैंने लिखा है एक्टिव और पैसिव, तो सबसे पहले मैंने टेंस लिखा प्रेजेंट टेंस, है ना। मैंने टेंस नहीं लिखा, उसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा है और मैं उसको कन्वर्ट करने की मीन्स मैंने कन्वर्ट किया है, आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, है ना। तो देखिए मैंने लिखा प्रेजेंट टेंस में पहला सेंटेंस जो आपका टेंस आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज होती है, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है ना। तो इनमें वैसे अगर आपको सेंटेंस में जो एक्टिव में मिलेगा उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो हम किस में बदलेंगे, इज एम या फिर आर में। तीनों नहीं मिलना, तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को हमें पैसिव वॉइस में लगाना है ना, वो हम बताएंगे। फिर हमारा इसी तरह है, अब हमारा सेंटेंस मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम और आर, है ना। ये आपका हो जाएगा, इसको हम किस में बदलेंगे, इसको हम उसी में रखेंगे, इज एम आर में ही रखेंगे, लेकिन इसके साथ हम क्या लगा देंगे, बेइंग लगा देंगे, है ना, बी ई आई एन जी, बेइंग, है ना। तो मैंने लगा दिया है। इसी तरह हमारा थर्ड दिया है, थर्ड आपको क्या होता है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या फिर हैव, है ना। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए मैंने लिखा हैज बीन और हैव बीन में, है ना। तो ये हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसी तरह आता है लास्ट पर, लास्ट आपको क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैज बीन और हैव बीन। अब देखिए मैंने बताया था ना कि जिसमें बीन आता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा नो चेंज। नो चेंज का मतलब जैसे है वैसे ही हम लिख देंगे, तो नो चेंज को लग हो जाएगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ये आपका था प्रेजेंट में। अब आते हैं उसमें पास्ट के लिए, है ना, पास्ट में देखते हैं। तो पास्ट टेंस में पहला आता है आपका पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस की वर्ब होती है डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा या डिड आएगा तो उसको हम किस में बदलेंगे, वॉज या फिर वर्ब में, है ना। और जो आपकी वर्ब रहेगी वो थर्ड में हो तो ऑल सेंटेंस में मीन्स पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आपका दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत क्या होती है, वॉज या फिर वर, है ना। तो इसके हम पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बेइंग जुड़ जाएगा, है ना। तो मैंने लिखा है कि वॉज या वर के साथ में, वॉज या वर के साथ में बेइंग जुड़ गया है। फिर आपका थर्ड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैड, और इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें लगा देंगे हैड बीन में, है ना, कन्वर्ट कर देंगे। अब उसके बाद चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैड बीन। अब इसमें बीन आ गया है तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, है ना। तो मैंने लिख दिया है नो चेंज, है ना, नो चेंज में पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो ये आपके थे सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट के। फिर इसके बाद हम आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं फ्यूचर पर, है ना। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फिर एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आपने प्रेजेंट और पास्ट के बारे में जाना, अब हम जानेंगे फ्यूचर टेंस में, है ना। सॉरी मेरा कैप गिर गया है। तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस में। एक्टिव क्या हो जाएगी, जो फ्यूचर टेंस का पहला टेंस आता है वो क्या होता है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, है ना। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और शैल होती है ना। जरा इसमें विल और शैल की जानकारी कर लेते हैं कि जो हमारा प्लूरल, जो हमारे प्लूरल नाउन नंबर होते हैं, प्लूरल नंबर में क्या आता है, जैसे आपका आयु हो गया। तो दोस्तों ये आपका रहा फ्यूचर टेंस, है ना। तो फ्यूचर टेंस में मैंने बताया है कि आपका पहला जो टेंस होता है वो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस होता है। तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या फिर सेल, है ना। तो मैंने बताया कि आई और वी के साथ हमेशा और हमेशा मिस जो आपका फ्यूचर होता है उसमें आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी जितने भी आपके प्रोनाउंस होते हैं सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है ना। तो आपका विल और सेल हम किस में बदलेंगे, विल बी और सेल बी में, है ना। फिर आते हैं दूसरे में विल बी और सेल बी, ये किसकी मीन्स किसका टेंस है, है ना। इसमें तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसको हम बदलेंगे उसमें मीन्स विल बी और सेल बी को। अब इसमें बी आया है तो बी आता है तो पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो ये आपका हो जाएगा नो चेंज। फिर आते हैं थर्ड पर, थर्ड आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उसमें क्या होती है, विल है और सेल है, इसको हम बदल देंगे विल हैव बीन या सेल हैव बीन, है ना। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा सेंटेंस आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट।